वेलकम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे, ये लास्ट चैप्टर है पाइथन का, और इस लास्ट चैप्टर को आज हम फिनिश करने वाले हैं। नम पाई बेसिक आपके कोर्स में दिया गया है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा ये भी आपको आज बता दूंगा। जो है 100% आएगा, मतलब इससे कोई चांस नहीं है कि क्वेश्चन ना आए। तो आपको ये पूरा टॉपिक लास्ट तक देख लेना है। 100% एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा, और कितने नंबर का फिक्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। तो इसका अगर आप PDF यानी कि अगर आप इसका बुक या नोट्स भी आप चाहते हैं तो वो कैसे बाई कर पाएंगे वो भी आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको स्टार्ट करता हूँ चैप्टर से। तो ये हमारा कि जो बुक है इसमें सारे चैप्टर्स स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं पूरे कम्प्लीटली, और आप जो पढ़ने वाले हैं वो लास्ट चैप्टर इसका है नमपाई बेसिक। सो नमपाई बेसिक चैप्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे और क्या होने वाला है इसके अंतर्गत है, तो आपको चलिए शुरुआत करता हूँ। पहले यहाँ पर हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो नमपाई बेसिक। पहले तो समझ लेते हैं कि पाइथन में नमपाई क्या है। तो नमपाई एक लाइब्रेरी है। पाइथन में नमपाई क्या है? एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या होता है ये भी समझ लीजिए। लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि पाइथन के अंतर्गत जो एरे है उसको अच्छे से उपयोग करने के लिए नमपाई लाइब्रेरी बनाई गई है। अगर आपने HTML पढ़ा होगा तो उसमें CSS पढ़ा होगा, और CSS में बहुत सारे फ्रेमवर्क यूज होते हैं, जैसे W3CSS, Bootstrap, और JavaScript में आपने बहुत सारा पढ़ा होगा। तो वैसे यहाँ पर पाइथन में एक लाइब्रेरी है जिसका नाम नमपाई है। इस लाइब्रेरी को एरे को बहुत अच्छे से यूज करने के लिए बनाया गया दोस्तों। एक्चुअल में नमपाई का पूरा जो नाम है वो न्यूमेरिकल पाइथन है, और इसमें हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसको 2005 में ट्रेविस ओल्फंट ने डेवलप किया था, और यह एक ओपन सोर्स है, यानी कि ये एक तरीके से फ्री इस्तेमाल करने के लिए, इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। फिलहाल के लिए एरे की जगह पर हमारे पास लिस्ट और भी बहुत सारा है जो पाइथन में हम यूज कर सकते हैं। एरे हम ना यूज करें उसकी जगह पे बहुत सारा पहले से ही पाइथन में हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन हम एरे को जब पाइथन में यूज करते हैं तो एरे की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है, और उसी स्पीड को यहाँ पर बढ़ाने के लिए हम नमपाई लेकर के आए हैं। यानी कि हम भी कह सकते हैं कि नमपाई का जो यूज्ड है वो एरे की स्पीड को बढ़ाने के लिए है। ये दिमाग में एकदम स्टेप बाय स्टेप बैठा लीजिए तो आपको पक्का हो जाएगा पूरा। और लिस्ट की तुलना में ये 50x गुना बढ़ा देता है, 50 गुना बढ़ा देता है, तेज कर देता है। आप ये सोच सकते हैं कि नमपाई फिर कितनी इम्पॉर्टेंट है पाइथन में। तो पाइथन में नमपाई एरे ऑब्जेक्ट को एनडी एरे कहा जाता है, और यह बहुत सारे फंक्शन प्रदान करता है। एनडी एरे के साथ काम करना काफ़ी आसान है। डेटा साइंस में एरे का बहुत ही उपयोग होता है। यहाँ पर एक सैंपल एग्जांपल है, इंपोर्ट करते हैं नमपाई एरे। यहाँ पे एक एरे वेरिएबल ले लिया, और उसमें हमने नमपाई डॉट एरे को पूरा होल्ड करके डाल दिया। अब इसको हमने प्रिंट कर दिया, आसानी से प्रिंट हो जाएगा। हम चाहें तो इसको ऐसा एलियाज यूज कर सकते हैं, नम एज एनपी, नम पाई एज एनपी, तो एनपी हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे। यानी इसी चीज़ को हम एनपी लिख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, जो कि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख करके दिखाया गया। आप यहाँ पर इसे रन करके भी देख सकते हैं दोस्तों। रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले यहाँ पर ओपन करेंगे जिसका नाम है onlinegdb.com। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वेबसाइट है दोस्तों, इस पर आप जा करके अपने प्रोग्राम्स वगैरह रन कर सकते हो आसानी से। अभी यहाँ पर सी खुला हुआ, हम इसमें ओपन करेंगे पाइथन को।
सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पाइथन दिख रहा है। पाइथन जैसे हमने क्लिक किया पूरा का पूरा हमारा आ गया। अब हम इसको सब हटा देते हैं और यहाँ पर पाइथन का प्रोग्राम लिख देते हैं और इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब इसे रन करके देख लेते हैं कि ये रन कर रहा है। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो पाइथन के अंदर हमने डेटा डाला था वो इनप्रिंट हो चुका है। हम अगर चाहें तो इसको एक एक डेटा भी प्रिंट करा सकते हैं जो कि हम आगे अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरीके से हमने प्रिंट करा लिया और हम इसको शॉर्ट में अगर यूज करें तो नम पाई एज एन पी लिख सकते हैं और जो एन पी हमने लिखा है वो इसकी जगह पर हम यूज कर सकते हैं एन पी, यानी कि अब नम पाई का शॉर्ट हो गया एन पी। तो एन पाई हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं इस तरीके से शॉर्ट में। अब जहाँ जहाँ भी हम यूज करना चाहें उसे यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्रिएट अ नम पाई एन डी एरे, नम पाई यूज टू वर्क विद एरे, तो द एरे ऑब्जेक्ट इन नम पाई इज कॉल्ड एन डी एरे। सो वी कैन क्रिएट नम पाई एन डी एरे ऑब्जेक्ट यूजिंग द एरे फंक्शन। सो यहाँ पर हम सिंपली देख पा रहे हैं इस तरीके से हम यूज कर पा रहे हैं। आइए यहाँ पर हम ये वाला लाइन भी प्रिंट करके देखते हैं क्या कह रहा है ये वाला लाइन। सो गाइस ये वाला हमने लिख लिया है, अब हमें रन करके देखना है। बहुत ही आसान है रन कराना, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो इससे हमें टाइप दिख गया इसका कि क्लास है नंपाई एन डी एरे, नंपाई एन डी एरे। तो ये क्लास हमको यहाँ पे हमने इंपोर्ट कराया है वही यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। ओके नेक्स्ट, अब डायमेंशन इन एरे, डायमेंशन प्रिंट कराना है। वन डी एरे, ये वन डी एरे हमारा है। सो हम डायमेंशन प्रिंट कराना चाहते हैं वन डी एरे टू डी एरे, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। तो जीरो डी, जीरो डी एरे आर स्केल्स आर एलिमेंट इन एरे, ईच वैल्यू इन एरे इज द जीरो डी एरे। सो इम्पोर्ट एन डी एरे हम यहाँ पर ले लेते हैं। जीरो डी यानी कि पहला लोकेशन यहाँ पर पहली एलिमेंट हमारा है जो कि यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब वन डी एरे यहाँ पे है जो कि आप अभी प्रोग्राम देख चुके हो, ये वही प्रोग्राम है जो असेंबली यहाँ पर लिखा हुआ है। टू डी एरे इस तरह से लिखा जाएगा। टू डी एरे को हमें लिखने का तरीका क्या है, हम अंदर ये बॉक्स ले लेंगे और उसके अंदर हमें लिखने का सिंटैक्स जरूर ध्यान रखिएगा। पहले हमने बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख लिया है पहला वाला रो और दूसरा रो हमने यहाँ पर लिख लिया है और हमें इन दोनों को एक बड़े ब्रैकेट के अंदर भी रख जरूरी है दोस्तों। अब यहाँ पे हम प्रिंट अप करके देखेंगे। थ्री डी एरे को रखना है तो यहाँ पर वही बॉक्सेस हो जाएंगे तीन, तो एक दो तीन चार रो लिखा गया है, चार रो लिखा गया यहाँ पर है। और ध्यान रहे कि इसके अंदर जो बॉक्सेस की संख्या है यानी कि जो बड़ा ब्रैकेट है वो तीन हो जा रहे हैं, लास्ट में दो ओपन होंगे जो है, ठीक है ना। इस तरह से इसका प्रिंटिंग होगा। अगर हम यहाँ पर ये चेक करना चाहें कि कौन से वो एरे के फॉर्मेट में है या कौन से डायमेंशन में है तो हम यहाँ पे डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं डायमेंशन फाइंड करने का प्रयास करते हैं अभी अपने पुराने प्रोग्राम में। सो हम यहाँ पर पुराने प्रोग्राम में इसकी जगह पर हम फाइंड करेंगे, तो ए आर लिखा हुआ है सो हम ए आर यहाँ पर लिख देंगे। तो कौन से डायमेंशन में ये हमें पता चल जाएगा, तो यहाँ पे वन डी एरे में है, ये वन डी एरे में आपका डेटा दिया हुआ है। और अगर हम यहाँ पर इसको कुछ ऐसा लिख देते हैं अब हम इस वाले को कॉमा करके और यहाँ ब्रैकेट लगा दे रहे हैं और यहाँ ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। अब देखते हैं कि किस वाले में है, ये टू डी एरे में, ये किस में है टू डी एरे में है। तो इस तरीके से हम टू डी एरे में देख सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसे थ्री डी में भी बदल सकते हैं। तो आई होप देखते हैं यहाँ पर, ये तो हमने रो क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। ट्राई करते हैं कि ये बन जाए हमारा थ्री डी में। तो ये थ्री डायमेंशन में अब कन्वर्ट हो चुका है। तो टू डी में थ्री डी में कैसे कन्वर्ट करना है, आई होप कि आपको ये बिल्कुल अब समझ में आ गया होगा। फाइंड करने के लिए आपको ये वाला फंक्शन याद रखना है एरे डॉट एन डी एम, एन डीम, एन डीम, एन माने नंबर ऑफ, डी माने डायमेंशन यहाँ पे, तो एन डीम एक्सेस एरे। एरे को कैसे एक्सेस करना यहाँ पर है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने
ये एरे ले लिया और प्रिंट करा लिया। अब यहाँ पर हमने लिख दिया वन, वन मतलब होता कि पहला एलिमेंट, यानी कि हम यहाँ पर यूज कर एक्सेस कर रहे हैं। चलिए पिछले प्रोग्राम में ही चल करके एक्सेस करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर इसको हटा दिया, यहाँ पे हमने ये भी सब हटा देते हैं पूरा पूरा, यहाँ भी सब हटा देते हैं पूरा पूरा, इन सब के में कोई आवश्यकता नहीं। सो ये सब पूरा पूरा हट गया है, अब नॉर्मल में आ गए। अब यहाँ पर हमने लिख दिया है वन, सो वन का मतलब यह क्या कि ये अब कौन सा एलिमेंट देने वाला है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे टू दे रहा है, यानी कि ये वाला, यानी कि जीरो लोकेशन पर है। इसका जो एड्रेस है वो जीरो है, इसका वन है, इसका टू है, इसका थ्री है। अगर मैं यहाँ पर मान लो कि थ्री देता हूँ तो क्या होगा, तो ये दे रहा है फोर, यानी जीरो वन टू थ्री, ठीक है ना, फोर फाइव। अगर मान लो मैं सिक्स देता हूँ तो क्या होगा, तो दोस्तों ये लोकेशन तो है ही नहीं यहाँ पर, तो क्या कुछ प्रिंट करेगा? आइए चेक कर लेते हैं एरर को, क्या प्रिंट करेगा, एरर देगा कि नहीं देगा। यस बिल्कुल एरर देगा। क्या एरर दिया, इसको ध्यान रखना है, इंडेक्स आउट ऑफ फॉन्ट, या इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा इंडेक्स दिया हुआ है वो आउट ऑफ रेंज हो गया है, यानी कि उस रेंज में है ही नहीं डेटा। तो आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा वीडियो, अगर मज़ा आ रहा है ना तो इसे आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है लाइक करना। और यही आपसे मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दें। तो अभी हम अगला देखते हैं यहाँ पर प्रोग्राम, जो कि आपको समझाता हूँ। डेटा टाइप इन पाइथन, पाइथन में डेटा टाइप अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, कॉम्प्लेक्स है। तो वैसे तो डेटा टाइप काफ़ी हैं जो कि आप नीचे देखेंगे। पाइथन में ये डेटा टाइप आपको दिया हुआ है स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कॉम्प्लेक्स, जबकि नमपाई में इसको और काफ़ी बढ़ा दिया गया है। इंटीजर, बूलियन, अनसाइंड, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, टाइम डेल्टा, डेट टाइम, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग, यूनिकोड स्ट्रिंग है, फिक्स्ड चंक ऑफ मेमोरी, अदर डेटा टाइप, तो काफ़ी कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। तो इतने ढेर सारे डेटा टाइप आपको मिल जाएंगे नमपाई के अंतर्गत जो है। अगर डेटा टाइप को चेक करना हो तो यहाँ पे डी टाइप आपको लिख देना है, आसानी से पता चल जाएगा। सो दोस्तों हम भी यहाँ पर क्या करते हैं, डी टाइप लिख ही देते हैं ना, क्या हो जा रहा है यहाँ पर, डॉट डी टाइप लिख दिया हमने, अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये दिखा रहा है इंटीजर 64, इंटीजर 64 बिट का ये वाला है, तो आपको समझ में आ गया ये किस टाइप का डेटा टाइप है। एरे फ्रॉम न्यूमेरिकल रेंज, एरे को न्यूमेरिकल रेंज में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आसानी से स्टार्ट, स्टॉप, स्ट्रिंग और डेटा टाइप। देखो यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल रेंज क्या है, न्यूमेरिकल रेंज मतलब है कि हमें रेंज के अकॉर्डिंग प्रिंट करना है, स्टार्ट करना है किस रेंज पे, कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टॉप कहाँ करना है, इतने स्टेप पे हमें जंप कराना है और डेटा टाइप कौन सा रहेगा। सो सिंपली यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर अरेंज लिखना है, नाम के लिए अरेंज, इम्पोर्ट नाम फाई और लिख लिया अरेंज और एक्स करके यहाँ डाल दिया और एक्स को प्रिंट कर दिया। अरेंज फंक्शन है, सो कैसे करता है ये आपको सिंपली समझ लेना है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है इसमें है। अब आते हैं यहाँ पर, एरे ख़त्म हो गया, समझ लो कि नंपाई ख़त्म हो गया। अब यहाँ स्टार्ट क्या हो रहा है, उसके अंतर्गत बहुत सारा काम, स्लाइसिंग करना जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, बस यहाँ पर क्या है उसी स्लाइसिंग का यूज हुआ है। सो यहाँ पर आप देखिए आसानी से, इम्पोर्ट नम पाई एज एन पी। अब यहाँ पर स्लाइसिंग कैसे किया जा रहा है, तो ये हमने दो रो ले लिया है, अब हम यहाँ पर प्रिंट दे दिया वन से ले करके और वन फोर रेंज तक का। तो इस वाले को ट्राई करते हैं कि क्या आउटपुट देने वाला है और कैसे देने वाला है। सो यहाँ पर हमने ये लिख दिया है और इसे ट्राई करके देखते हैं क्या होने वाला है इसके अंतर्गत है। देखिए 789 यहाँ पर स्टार्ट किया, सो यहाँ पे जी इसका मतलब क्या है, जीरो कर देंगे तो क्या होगा, जीरो देता हूँ मान लो, तब क्या हो रहा है यहाँ पर, इस वाले में से डेटा ले रहा है, यानी जीरो माने होता है कि पहली रो से डेटा लेना। और अगर हमने यहाँ पर लिख दिया वन तो मतलब हुआ कि दूसरी, तो ये वाला हमारा वन का मतलब दूसरे डेटा हो जाएगा, तो दूसरे रो से डेटा लेना है।
तो दोस्तों हम यहाँ पर अब एक से ले करके और चार तक का लेना है, तो यहाँ पर चार तक का लेना है, तो एक से ले करके हमारा कहाँ तक लेना है, चार तक का। तो ये हमने जीरो का लिया था, तो एक यहाँ पर आएगा एड्रेस, वन टू पहला एड्रेस, टू थ्री फोर, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से चलेगा, लास्ट वाला आपका नहीं चलेगा, लास्ट वाला फोर मतलब हुआ कि थ्री तक चलेगा। अगर आपको मान लो वहाँ पर फोर लेना है तो फाइव लिखना पड़ेगा, फाइव लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट करता है, तो इसलिए ऐसे लेगा डेटा को जो दोस्तों। तो वन से फाइव का मतलब हुआ कि ये आपका फोर तक चलेगा, तो फोर तक चलेगा, तो फोर तक का आपको डेटा लेगा। सो यहाँ पे जीरो, सॉरी जीरो यहाँ है, जीरो वन से स्टार्ट करेगा, वन टू थ्री फोर। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब अगले प्रोग्राम को देख लेते हैं, ये भी वैसे ही है, ये वाले में ये देख लो, अक्सर एग्जाम में इस तरह का आउटपुट प्रोग्राम आता है अक्सर दोस्तों। तो मैं आउटपुट प्रोग्राम आप लोग को पोस्ट करता हूँ आज जो है, आप लोग देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो आपको मैं अभी कमेंट पोस्ट डालता हूँ, आपके सामने डालूँगा, आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है डेटा टू से, हमने यहाँ पर डाला लोकेशन कि ये टू तक का एड्रेस तक जाएगा। सो जीरो वन टू, जीरो वन टू। अब यहाँ पर ये कौन सा डेटा प्रिंट कर रहा है, तो ये जीरो से स्टार्ट कर रहा है और टू तक का कह रहा है प्रिंट कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, तो इधर तो हमने डिस्क्रिप्शन इसका कुछ डाला नहीं है, तो अब यहाँ पर आपको समझाना पड़ेगा हमें। ये स्टार्ट कर रहा है जीरो लोकेशन से और टू तक का डेटा जा रहा है। सो जीरो वन टू, अब यहाँ पर ये जीरो वन टू नहीं प्रिंट कर रहा, बल्कि ये वन प्रिंट किया है, फिर दूसरे स्टेप का डेटा प्रिंट किया यहाँ पर है। पहला डेटा प्रिंट किया, फिर दूसरे स्टेप का डेटा प्रिंट किया, तो दूसरे स्टेप पे थ्री आ रहा है, और फिर इस स्टेप को छोड़ दिया, फिर दूसरे स्टेप का आ रहा है, फिर ये वाले स्टेप का आ रहा है। तो इसमें जितना डेटा था उतना सब प्रिंट कर दिया दोस्तों। तो ये एक एक स्टेप को अपग्रेड करके प्रिंट कर रहा है, इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। जो इसलिए अगर मैं यहाँ पर मान लो रेंज बढ़ा देता हूँ, मैंने 8 कर दिया, या मैंने 9 कर दिया, मैंने यहाँ 10 कर दिया, सो अब क्या होगा आउटपुट में, चलिए इसका देख लेता हूँ मैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं 13579, 13579, ओके। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा तो क्या होगा, तो ये पूरा डेटा प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा 3, तो ये तीन तीन के स्टेप पर प्रिंट करेगा डेटा को। तो पहला 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर का डेटा आया है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अरे भाई दोस्तों कमेंट तो करो आप लोग जो है, तभी तो पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। आगे अब इम्पोर्ट नम पाई एज एन पी। अच्छा, अब यहाँ पे अगला जो प्रोग्राम है वो भी इसी से कुछ जुड़ा हुआ है और कुछ थोड़ा सा आउटपुट में बदलाव कर करके कर रहा है। तो आइए इस वाले का भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कैसे इसका प्रोग्राम बनेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रोग्राम है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी मेहनत करके प्रोग्राम बनाना पड़ता है, और आप लोग जब सपोर्ट नहीं करते हो तो मज़ा कम आता है जो है, तो इसलिए आप लोग सपोर्ट जरूर करो। तो यहाँ पर देखिए कि ये पहले डेटा हमें प्रिंट कर रहा है 3, और फिर अगला डेटा प्रिंट कर रहा है हमें 8, जो कि यहाँ से आ रहा है। तो अब ये कैसे समझ में आएगा कि ये 3 और 8 प्रिंट करेगा, तो दोस्तों यहाँ पर पहला तो ये है ना कि इसमें जीरो से स्टार्ट करना है और इसमें कुछ नहीं दिया गया है। तो ये देखो, ये पहले वाले के लिए, पहले रो के लिए ये दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ तब क्या होगा, तो ये क्या कह रहा है, 3 कर दिया मैंने यहाँ पर, तो 0 से 3 यहाँ पर हमें 3 डेटा दे रहा है, 3 नंबर का 3 प्रिंट कर रहा है।
अच्छा, अगर मैं यहाँ पर मान लो वन कर देता हूँ तब क्या प्रिंट करेगा? तो ये थ्री प्रिंट कर रहा है, अब तो बिल्कुल ही नहीं कुछ प्रिंट कर रहा है। इसको मैंने टू किया तो क्या प्रिंट कर रहा था? तो ये थ्री वाला प्रिंट कर रहा था। जब मैंने इसको फोर की जगह फाइव कर देता तो क्या प्रिंट करता है? तो थ्री प्रिंट कर रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर वन कर देता हूँ और इधर टू कर देता हूँ तो क्या प्रिंट कर रहा है? ऐसे से आपको प्रोग्राम को रन करा करा करके चेक करना होता है कि क्या आउटपुट आने वाला है दोस्तों को। इस तरह से जब आप बार बार इसको रन कराएंगे और टेस्ट करेंगे तो आपको ऑब्वियसली समझ में आएगा कि आखिर प्रोग्राम में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैं अलग अलग जब लोकेशन डाल डाल के प्रिंट कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह से डेटा आ रहा है। अभी 03 पे हमको ये वाला डेटा दे रहा है। अगर इधर मैं बदलाव कर देता हूँ, मान लो कि 2 की जगह मैं 3 कर देता हूँ, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 जैसे ही हमने किया है यहाँ पर 4 और यहाँ पर 9 हो गया है। यानी कि ये मेमोरी का लोकेशन है, ये मेमोरी का लोकेशन प्रिंट कर रहा है। इनकेस अगर मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ तब क्या हो रहा है? सो सिंगल डेटा आ रहा है, सिंगल डेटा आ रहा है। 1 करने पर क्या हो रहा है? सिंगल आ रहा है। सो मैं जब 2 कर रहा हूँ इसको तो क्या प्रिंट करेगा? ये देखते जाइए, तो 4 और 9 प्रिंट कर रहा है। 3 करने पर भी वही प्रिंट कर रहा था। तो ये हमारा सिंपल सा है कि ये हमारी इंडेक्सिंग कर रहा है। 3 से मतलब 3 इंडेक्स हो गया। अगर मैं 4 करूँगा तो यहाँ पर हमें 4 मिलेगा। तो 5 और 10 प्रिंट कर रहा है, यानी कि लास्ट इंडेक्स है। तो ये तो हमने समझ लिया। अब इसके रेफरेंस को यहाँ पर समझना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो 0 और 2 दिया हुआ है इसका क्या है मायने? 1 करने पर 0 से 1 यानी कि केवल सिंगल डेटा कर रहा है यहाँ पर, ये ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर कर दिया 4, तो क्या कर रहा है? तो जैसे हम 0 और 1 रख रहे थे तो ये हमको पहला एक डेटा दे रहा था, और जब हमने जब से 2, 3, 4, 5, 6 हमने जब तक डाला है मैं इस सिचुएशन में, तो ये देख पा रहा हूँ कि इसका केवल यही परिवर्तन हो रहा है दोस्तों कि ये डेटा को 2 ही एलिमेंट दे रहा है। तो हमको यहाँ पर बस 0 से 2 ही रखना है ताकि 2 ही डेटा ये रखे। और इनकेस अगर मैं 3 करता हूँ तब क्या होगा? तो मैंने इसको कॉपी किया है और यहाँ पे कॉमा लगा करके और प्रिंट कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर है। यस, तो अब ये 0 ले लिया। अब यहाँ पर अगर हम 2 करते हैं तब क्या होता है? 2 डेटा दिखा रहा है। तो मैंने काफ़ी देर के बाद में आपको ये वाला एक बात क्लियर की कि यहाँ पर 0 का मतलब इससे, और 0 एड्रेस, 1 एड्रेस और 2 एड्रेस, या मैंने 0 और 2 ले लिया। तो ये केवल 2 ही एलिमेंट का डेटा फाइंड कर रहा है, इसका और इसका, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूँगा तो तीसरे तक का ही जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, ठीक है। तो 3 एलिमेंट प्रिंट कर रहा है। तो अब यह बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अभी पिक्चर बाकी है, अभी आप लोग मत चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा NumPy बेसिक तो ख़त्म हो गया है, पाइथन का अभी सेट स्टार्ट हो गया है दोस्तों। ये सेट आप लोगों के लिए बनाया गया है, और इस सेट में अब आपको पूरा का पूरा बस 2 मिनट आपका टाइम और लूँगा। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये सेट बनाया गया है ताकि आप लोग इससे MCQ अपना तैयार करके अच्छे से और इसको प्रिपेयर करिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो पार्ट 1 है उसे क्लियर करने में कोई दिक्कत ना हो। इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन रखा है, और ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के पर्पज से बनाया। आप इन्हें तैयार करिए, पढ़िए, इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं और डे बाय डे इन्हें अपडेट किया जा रहा है। तो आपको अगर ये वाली बुक लेनी है, और इस बुक में आपको बता देता हूँ कि ये बुक पूरी की पूरी हमारी इस टॉपिक पर बनाई गई है, इसका जो कंटेंट है वो इसके आधार पर बनाया गया है पूरा का पूरा बुक दोस्तों। यहाँ पर टोटल हमने 11 चैप्टर में इसे कन्वर्ट किया है। ये चैप्टर की जो नंबर है इन पे डिपेंड ना करिए, इनमें किसी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो टोटल सिलेबस है अकॉर्डिंग टू द ओ लेवल सिलेबस है, ए लेवल के अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों जो लोग
ओ लेवल के स्टूडेंट हैं उनके लिए और ए लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, दोनों के लिए ये वाली बुक इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना अगर है तो आपको ये बुक बाई कर लेना है। बाई कैसे करेंगे आप लोग, जो है हमारे वेबसाइट पर आइए, वेबसाइट हमारी है RITI.com। इस पर आपको आने पर यहाँ पे कॉर्नर में आपको मिलेगा ये बुक बाई करने के लिए, आपको केवल 99 रुपीज़ पे करना है और आप ये बुक बाई कर सकते हैं। पे कैसे करेंगे, आपको बाई पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे पेमेंट आ जाएगा सेक्शन, आप इस अकाउंट पर पे कर सकते हैं या गूगल पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में आपको क्या करना है, हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, ये बुक आपको सेंड कर देंगे आपके अकाउंट पे। अगर आप चाहते हैं कि ये बुक तो हम लेना चाहते हैं लेकिन मुझे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ और भी मिल जाए, तो देखिए दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे बुक के लिए आपको पाइथन पे क्लिक करना है। क्या क्या इसके अंतर्गत मिलने वाला है आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिलेबस, इसके अलावा इसमें प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा 10, इसके अलावा आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक मिल जाएगा। उसमें केवल हिंदी की बुक मिल रही है आपको, इसमें हिंदी इंग्लिश बोथ मिल जा रही है। पाइथन प्रोग्रामिंग की लिस्ट आपको मिल जाएगी, इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको मिल जाएगा, तो सारा आपको पूरा मिल जाएगा। एक एक करके आपको सिक्वेंशियल वीडियो दिया हुआ, तो आप इसको क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है ना। अब दोस्तों इसके लिए पेमेंट कितना करना है, इसके लिए कुछ ज़्यादा पेमेंट नहीं करना है, 350 रुपये पेमेंट करना है। 350 रुपये पेमेंट करने के बाद में आपको क्या और मिलने वाला है वो बता देता हूँ कि आपको लाइव वीडियो मिलेगा। लाइव वीडियो मतलब होता है कि आपकी जो भी समस्या होगी वो हम आपको पढ़ाएंगे, यानी कि हमारी जो आपकी समस्या होगी वो हम हर सैटरडे को लाइव क्लास लेंगे, तो उसमें आपका समस्याओं को सॉल्व करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, अच्छा लगा तो भी आप कमेंट करिएगा, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है दोस्तों तो वो भी कमेंट करिएगा, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट करिएगा, सुझाव है तो भी कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।